हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइलेंट कुमार में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कुशल होगे। तो बढ़ते हैं आगे तरफ। जैसे आप सभी जानते हैं कि हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से विभिन्न धार्मिक स्थलों, ऐतिहासिक धरोहरों व प्राकृतिक स्थलों की जानकारी सहित वीडियो लेकर आते हैं। तो उसी के अनुरूप एक और ये नई वीडियो है। जैसे आप देख सकते हैं, ये वीडियो है आपकी राजेश्वर महादेव मंदिर। जी हाँ, राजेश्वर महादेव मंदिर जहाँ पर मेला लगा हुआ है, सावन का मेला जो कि प्रत्येक वर्ष लगता है। ये कहाँ पर है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। कहाँ पर है इस मंदिर, क्या महत्व है, क्यों इतने श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर रहती है, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल साई ललित कुमार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए, ताकि आप ऐसे किसी भी वीडियो से वंचित ना रहें। आप तक सभी स्थलों की जहाँ पर हम भ्रमण करते हैं और दर्शन करने जाते हैं, आप जानकारी पहुँचते रहे। तो बढ़ते हैं आगे तरफ वीडियो में। तो हम बात कर रहे थे जहाँ पर ये आपको दिखा रहे हैं मेला लग रहा है, ये है राजेश्वर महादेव मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में पड़ता है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में, जहाँ पर प्रत्येक वर्ष सावन मावन ये भव्य मेला लगता है, भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। इसका महत्व तो क्या है, कितना प्राचीन मंदिर है, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक भी करें, ताकि हम ऐसी वीडियो बनाने के लिए उत्साहित हों और हमें प्रेरणा मिलती रहे। तो जैसे राजेश्वर महादेव मंदिर के बारे में बता रहे हैं हम आपको, किंवदंती के अनुसार कुछ लोगों का मानना है कि राजा खेड़ा जो कि राजस्थान के भरतपुर में पड़ता है, कि एक सेठ द्वारा नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से शिवलिंग स्थापना के लिए लेकर आया जा रही थी, जो कि बैलगाड़ी के माध्यम से ला रहे थे। तो जहाँ पर अभी ये मंदिर है वहाँ पर एक कुआ भी था, तो उस जगह पर सेठ कुछ पल के लिए विश्राम के लिए रुक गए। तो उन्हें स्वप्न में भी ये दिखाया गया कि इस मूर्ति की स्थापना इसी स्थान पर कर दी जाए। जब सेठ विश्राम के वहाँ उठे तो उन्होंने उस स्वप्न को इग्नोर करते हुए शिवलिंग को वहाँ से उठाने की कोशिश की, लेकिन वो शिवलिंग बिल्कुल वहाँ से हिली नहीं, तस से मस नहीं हुई, और उसी स्थान पर इस भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। मानता है यहाँ पर जाने वाले सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और ये भी कहा जाता है कि ये शिवलिंग है दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है। जी हाँ, 3 बार अपना रंग बदलता है, सुबह की आरती के समय, दोपहर की आरती के समय और संध्या आरती के समय, जो भिन्न भिन्न रंगों में दिखाई देती है। यहाँ के स्थानीय लोगों का ये मानना है, मैंने तो फिलहाल नहीं देखा था, क्योंकि मैं जिस दिन गया था सावन का प्रथम सोमवार था, तो काफ़ी रात्रि हो चुकी थी और मेला का आयोजन था, और मौसम भी अपने चरम सीमा पर था, बारिश वाला, बारिश हो चुकी थी, हल्का गुलाबी सा कलर महसूस हो रहा था। बाकी दिन में कैसा कलर होता है शिवलिंग का दिन और सुबह के समय कैसा होता है, वो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये शिवलिंग दिन में 3 बार अपना रंग बदलती है। तो जैसे आप देख सकते हैं, मेले में काफ़ी की संख्या में श्रद्धालु थे, यहाँ आए हुए थे और बाबा भोले के दर्शन के लिए उमड़ रही थी भीड़। जैसे आप देख सकते हैं, इतना ख़राब मौसम था, इतनी बारिश हो रही थी, फिर भी श्रद्धालुओं का जोश था जो दर्शन करने के लिए बाबा महादेव का, वो कम नहीं हो रहा था, संख्या बढ़ती जा रही थी। रोड तो ऐसे भर के चल रहे थे, चलना दुश्वार हो गया था, ये समझिए आप, जगह नहीं थी रोड पर चलने के लिए, पैदल रूट डाइवर्ट कर दिए जाते हैं। और ये आगरा का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जैसे आपको मैं बताया हुआ और वीडियो में, कैलाश मंदिर है एक आपका, जो सिकंदरा पड़ता है, उसका बल्केश्वर मंदिर है जो बल्केश्वर क्षेत्र में पड़ता है, एक ये आपका है राजेश्वर मंदिर जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिसकी वीडियो आपको दिखा रहे हैं, और उसके अलावा एक और मंदिर है आपका पृथ्वीनाथ मंदिर। ये 4 मंदिर हैं आगरा में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, और आगरा क्षेत्र के ये मान सकते हैं चारों कोने पर स्थित हैं। तो यहाँ पर सावन माह में अत्यधिक भीड़ होती है सभी मंदिरों पर, जिनमें से ये राजेश्वर महादेव मंदिर का भी अपना अलग महत्व है। जैसे आप देख सकते हैं कितनी की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं,
और सावन वहाँ एक पवित्र माह होता है जहाँ पर भगवान शिव की पूजा की जाती है और हर शिवालय पर भीड़ की संख्या बढ़ती जाती है। और भाई ऐसे मंदिर जहाँ की प्राचीन मान्यता रही हो वहाँ तो लाजमी है भीड़ का होना। ये मंदिर समथिंग 900 वर्ष पुराना है। जो घटना मैंने आपको बताई है जो किंवदंती के अनुसार है, सेठ के द्वारा ये स्थापित करना है शिवलिंग को, लगभग 900 वर्ष पुराना किंवदंती है और तभी से इस मंदिर पर पूजा अर्चना की जाती है और दूर दराज से अपने मनोकामना लेकर यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं। और सावन माह में तो जैसे मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं खुद कितनी भीड़ है, तो वो रिकॉर्ड टूट जाते हैं भीड़ के। इस बार तो अत्यधिक भीड़ थी क्योंकि आप जैसे देख रहे होंगे भी जो अभी समय चल रहा है उसमें हर मंदिर पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालु काफ़ी जा रहे हैं। अब वही देख कितना भव्य मंदिर लग रहा है, कितना भव्य नज़ारा है मंदिर का, जो कि देखते ही बनता है। यदि आप आसपास के क्षेत्र से आगरा के तो अवश्य जाएं इस मंदिर पर दर्शन करने हेतु। जरूरी नहीं आप सावन में ही जाएँ, वैसे सावन में जाओगे तो और अच्छा महसूस होगा आपको। यदि आपको सावन माह में अवसर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप कभी भी जा सकते हैं यहाँ पर। और आप आगरा क्षेत्र से दूर दराज से भी हो, यदि आप आगरा क्षेत्र में जाते हो और यहाँ पर मंदिर है वहाँ जाते हो तो अवश्य इस मंदिर के दर्शन कीजिए। जो आपका रास्ता है मैं बताता हूँ आपको, आगरा आप कैसे ही पहुँच सकते हो, आप बाई ट्रेन, बाई फ्लाइट, बाई बस। फिर आगरा में आप आगरा के मुख्य रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से बिजलीगढ़ पहुँच सकते हैं। बिजलीगढ़ एक मुख्य चौराया है आगरा में, वहाँ से आप राजपूत चुंगी के लिए बैठेंगे, राजपूत चुंगी जहाँ पर ये मंदिर है, और इसीलिए राजपूत चुंगी के नाम से ही इस मंदिर का नाम भी राजेश्वर महादेव मंदिर रख दिया गया है। तो बहुत ही सुगम रास्ता है इस मंदिर तक पहुँचने का, और स्थानीय लोगों ने तो शायद दर्शन किए भी होंगे इस मंदिर के, और नहीं किए तो आपको अवश्य जाना चाहिए। काफ़ी भव्य मेला था ये, लेकिन थोड़ी बारिश आ गई तो थोड़ा मज़ा था जो दर्शन करने की तो भीड़ गई थी तो तितर बितर हो गई, यानी बारिश ने थोड़ी खलबली मचा दी श्रद्धालुओं में, लेकिन फिर भी उनका जोश कम नहीं हो रहा था। काफ़ी संख्या में बारिश में भी भीगते हुए जा रहे थे, हम भी बारिश में ही भीगते हुए मंदिर में चलते जा रहे थे, मेले की तरफ से एक अलग ही जोश था। जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में, आपने सभी प्रकार की सामान की दुकानें लगी हुई हैं और साथ ही साथ कुछ झांकियां भी लगी हुई थी जो अपने मनमोहक नृत्य द्वारा श्रद्धालुओं का मन मोह रही थी, भगवान रूपी झांकियां थी। तो काफ़ी अच्छा मेला रहता है, प्रसिद्ध मेला होता है जहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु जाते हैं, और आपको भी वहाँ जाना चाहिए। और वीडियो आपके हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ साथ शेयर भी करना, और मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में। जब तक इंतजार कीजिए, हर हर महादेव।